बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदू व इयाका नस्ताईन। मैं हूँ आपका दोस्त वहीदुल्ला, और जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी, दैट वाई आई एम मेकिंग वीडियो फॉर बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी ज़्यादा वीडियो हो सके वो आने वाले नए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाऊँ, क्योंकि मैं बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे यानी एक दो सेमेस्टर हो गया, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो दैट्स वाई मेरी यही कोशिश होती है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि वो जब सर्च करते हैं, क्योंकि जब मैं आया था, जब मैंने सर्च किया तो कोई इस तरह का कंटेंट नहीं था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बनाना चाहिए, तो और भी बनाएं इस अच्छा है, तो इससे जितनी भी स्टूडेंट की वो हेल्प हो वो अच्छी बात है। तो जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के रिलेटेड है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो मुझे पूछते हैं कि जो वहीद भाई फ़ीस है वो बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है फ़ीस का वो किस तरह होता है। तो इसका बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती रहती है। इस इनटेक में आई थिंक 80-90 थाउजेंड के करीब जो है वो थी, स्कॉलरशिप में अगर निकाल दें तो वो 60-50 और 15-16 इस तरह बनती है, ठीक है। तो ज़्यादा जो जो मैंने जितने मेरे साथ स्टूडेंट कंटेंट में कंटेक्ट में थे, तो उनकी जो आई थिंक फ़ीस थी वो 17,000 थी, 70,000 पाउंड, और अगर स्कॉलरशिप निकाले तो 16,000, तो इस 16 से 17,000 पाउंड तक ना इस इनटेक में बन रही थी। तो जब मैं आया था तो तब थोड़ी कम थी। तो इसका ये मैं आपको टाइम जो साथ बताता जाऊँगा जो प्रोसेस है इसका, इजी स्मूथ प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया है एमएससी में, जिस तरह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो आपकी अगर फ़ीस उस पर अनकंडीशनल पे जितनी फ़ीस लिखी हुई है, पहले एक ऑफर लेटर आता है कंडीशनल, उस पर कंडीशन होती हैं, जब वो मीट करते हैं तो फिर अनकंडीशनल आता है। तो पहले जो ऑफर लेटर आता है कंडीशनल, उस पर भी फ़ीस मेंशन होती है कि आपकी फ़ीस जो है स्कॉलरशिप अगर आपको दो, बर्मिंगम सिटी जो ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है वो 3,000 तक जो है, 3,000 तक जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट को देती है, अगर आप इफ़ योर एकेडमिक एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ वेरी वेल, दैट्स यू गेन ईजिली स्कॉलरशिप। तो बाकी अगर आपका बैकग्राउंड ठीक भी नहीं है तो फिर भी वो 1,000 दे ही देते, कहते हैं चलो गरीब आदमी है जाने दे, ठीक है। तो अब आते हैं कि फ़ीस का, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एमएससी मैनेजमेंट में अप्लाई किया है या जिसमें भी, उसकी फ़ीस है टोटल जो फ़ीस बनती है वो उस पर लिखा हुआ है कि ऑफ़र लेटर पे आपकी 17,500, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 17,500 जो बनती है, ठीक है। तो उस पर आपका एक स्टूडेंट है उसकी नीचे लिखा होता है कि आपकी 2,000 स्कॉलरशिप है, ठीक है। अगर वो 17,000 से 2,000 निकालें तो आपकी 15,500 फ़ीस बनती है, ठीक है। लेकिन मेन मसला ये है कि आपने कितनी पे करके आनी है और आपकी इनरोलमेंट पे आपने कितनी पे करनी है, बाद में कितनी करेंगी, इंस्टॉलमेंट होंगी, ये वो ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब वो एग्जांपल को लेके चलते हैं कि एक स्टूडेंट है उसकी एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो फ़ीस है वो है 17,500, ठीक है। 2,000 उसको स्कॉलरशिप मिला, तो अब उसकी पीछे जो फ़ीस बच गई वो 15,500 है, ठीक है। उसने पूरे साल में ये 15,500 देनी है, लेकिन मेन जो मुद्दा ये है, आपने जब पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से प्री कैश या फीस इनिशियल जो फ़ीस देनी है वो कितनी देनी है और इनरोलमेंट पे कितनी देनी है फ़ीस, और दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने इनिशियल फ़ीस जो पे करनी है वो 4,000 पाउंड है, वो दे के आप आ सकते हैं 4,000 पाउंड, ठीक है। और इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा दें उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और बाकी पीछे बच की आपकी इनरोलमेंट पे, इनरोलमेंट पे जो स्टूडेंट और कंसल्टेंट ये नहीं बताते वो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, कंसल्टेंट ऐसा क्यों करते हैं कि आपकी अगर फ़ीस 17,500 बन रही है इनरोलमेंट पे, आपने 17,500 का हाफ करके इनरोलमेंट पे करना है 50%, स्कॉलरशिप निकाल के 15,500 का हाफ नहीं करना। फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी 17,500 फ़ीस है उसको 2 पे डिवाइड करके जितनी पीछे बचती है, आपने इनरोलमेंट के टाइम पे वो मस्ट फीस सबमिट करवानी है, अदरवाइज़ आपकी बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी में वो इनरोलमेंट नहीं करेंगे, आपको कार्ड नहीं देंगे, ये इस कंसल्टेंट आपको नहीं बताते। स्कॉलरशिप जो होती है वो सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलती है, आपकी जो पीछे फ़ीस बच जाएगी उसमें से फिर 2,000, 1,000, 3,000 जो आपको 1,500 स्कॉलरशिप मिली है वो लेस करके, तो फिर उसकी इंस्टॉलमेंट या आपने जैसे भी वो पे करनी है, ठीक है।
आपने जितनी टोटल फीस है स्कॉलरशिप मिला के उसका हाफ करके इनरोलमेंट पे जमा करानी है, एक ये बात होगी याद रखना। और दूसरी बात आ गई, आप फॉर एग्जांपल मैंने वो जमा करा दी, अब जितनी पीछे बच गई है उसमें से आप 1000 निकाल लें, उसको वो जो पीछे बच जाएगी 1000 निकाल ली 15500, ठीक है, उसमें से 2000 निकाल के इस तरह जो सारा प्रोसेस बना है, ठीक है, वो जो पीछे बच जाएगी उसके तो दो तीन तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके मेन जो हैं वो स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी 6 इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं और आप वो फीस जो आपकी पीछे जितनी भी बचती है, एक तो आपने 50% पे कर दी इनरोलमेंट पे, आपने करनी करनी है अदरवाइज आपको कार्ड नहीं मिलेगा, तो उसकी आप 6 इंस्टॉलमेंट हर मंथ वो आपको एक बजट दे देंगे, आपने हर मंथ में इतनी इंस्टॉलमेंट मस्त जमा करानी है, आप उनके साथ एक कंट्रैक्ट साइन करेंगे कि मैंने हर मंथ इतनी फीस जो है ना वो आपको दूंगा, ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप साथ साथ जो है ना वो जमा कराते जाएं, क्योंकि ये जो होता है वो आपको इन्फोर्स करेंगे आप इंस्टॉलमेंट लें, लेकिन आप इट्स अप टू यू, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इंस्टॉलमेंट ना लें, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो ऐसा करते हैं कि साथ साथ पे फीस जमा करवाते रहते हैं। और आपने तकरीबन अगर आपका कोर्स 1 साल का ना, तो आपने 7 माह 8 में फ़ीस अपनी फुली पे करनी है हर सूरत में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 माह में करनी है, ठीक है, अगर आपने साथ साथ जमा करानी है तो, ठीक है, 7500 जमा कराते रहें, फिर आपको यूनिवर्सिटी भी नहीं तंग करेगी और आप भी इजी रहेंगे। इंस्टॉलमेंट पे आप थोड़ा स्टूडेंट जो है वो मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए इंस्टॉलमेंट पे हर मंथ जमा कराना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आप उसकी उसको ब्रीच भी नहीं कर सकते, आपने जो मस्ट है वो फीस पे करनी होती है। तो इसलिए ये 2 ऑप्शन है, या तो आप इंस्टॉलमेंट ले लें या फिर साथ साथ जमा करवाते जाएँ कि आपको यूनिवर्सिटी तंग ना करें कि इतनी बनती है तो आप इतनी करवा रहे हैं ये वो, ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। और दूसरी ये है कि हर काफ़ी मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी फ़ीस के मामले में तंग करती है, मेरे भाई यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हर यूनिवर्सिटी फ़ीस के मामले में आपको लाजमी तंग करेगी, क्योंकि ये जो पहले 5-6 साल में ऐसा हुआ है कि पहले स्टूडेंट आते थे इधर से फ़ीस नहीं देते थे यूरोप चले जाते थे, तो दैट्स वाई उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शन की है कि स्टूडेंट आने वाले ईयर्स में देखना कि पाकिस्तान से सारी स्टूडेंट को कहेंगे कि फ़ीस दे के आओ, क्योंकि ये थोड़ा सा स्कैम होता रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जल्दी, ये कोई नहीं कोशिश होती है कि आपकी फ़ीस जो है ना वो जल्दी जल्दी हर मास्टर में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर में 3 सेमेस्टर होते हैं, और ये 2 सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर के एंड पे हर सूरत में आपसे फुली फ़ीस आपसे चार्ज कर लेते हैं, अगर नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है ना वो बंद कर देते हैं। और इसके अलावा वो दूसरे पूछते हैं अगर फ़ीस ना पे करें तो फिर क्या होता है, इस फीस ना पे करें तो वो पहले एक आप वार्निंग देते हैं कि आपके हम अकाउंट बंद कर देंगे, आप फिर भी नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको टाइम देते हैं इसमें आप फीस जमा कराओ, अगर आप फिर नहीं करते तो आपका कैश विड्रा कर लेंगे, कहेंगे आप हमारा मालिक छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये थी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की फ़ीस के रिलेटेड वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो के लिए, और मिलते हैं एक बड़ी जल्दी एक नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।